यूपी के प्रयागराज में हुई घटना से पूरा का पूरा प्रदेश दहल गया और ऐसे में एक और बात प्रयागराज से ही निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर अपनी ही सुरक्षा को लेकर आपको डर लगने लग जाएगा। दरअसल यूपी के प्रयागराज उमेश पाल मर्डर केस में शामिल ओलाव और सदाकत की तस्वीरें प्रयागराज में जून के महीने में भी वायरल हो रही थी और प्रयागराज के रहने वाले आशीष मिश्रा को भी इन्हीं लोगों ने उमेश पाल की तरह घेर कर मारने की कोशिश की थी। बस फर्क इतना था कि उमेश पाल को उसके घर के सामने घेर कर मारा गया था, लेकिन आशीष मिश्रा को नैनी की बजाय जॉर्ज टाउन इलाके में 20 सड़क पर घेरने की कोशिश की गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। जून के महीने की फोटो अब जब वायरल होने लगी तो आशीष मिश्रा को भी अपनी जान का डर सताने लगा। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही उन्होंने मामले को हल्के में लिया था, बकायदा वो उसके लिए FIR भी करवा चुके थे और पुलिस ने आरोपियों को CCTV की मदद से पहचान भी लिया था। आपको बता दें कि प्रयागराज के यमुना पार के रहने वाले आशीष मिश्रा BJP के उपाध्यक्ष पद पर है और राजनीति को लेकर कई लोगों से इनका विवाद चल रहा है। कुछ इसी विवाद में जून 2022 में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में उमेश पाल की तरह आशीष मिश्रा को भी घेर कर मारने की कोशिश की गई। हालांकि आशीष मिश्रा की जान बच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मारने वालों में गुलाम और सदाकत भी शामिल थे। जून 2022 की ये बात है जब आशीष मिश्रा प्रयागराज के जॉर्ज टाउन के मेडिकल चौराहे पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उस दौरान कुछ लोग गाड़ी से दूसरी तरफ से दौड़ते हुए आए और आशीष मिश्रा और उनके साथ मौजूद उनके मामा को मारने पीटने लगे। आशीष के मुताबिक मरने वालों के हाथों में डंडा, वेपन सब कुछ था। जैसे ही आशीष मिश्रा ने उनसे बचकर अपनी गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश की, तब जाकर वहां से अपराधी भाग गए। उस समय आशीष मिश्रा को ये नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं। जब आसपास के CCTV को खंगाला गया तो उसमें सदाकत और गुलाम की पहचान हुई। आशीष मिश्रा ने प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में इस बात की शिकायत भी की। अब जब CCTV खंगाले गए तो उसमें सदाकत और गुलाम की तस्वीर साफ हो गई। पहले तो आशीष ने अज्ञात के खिलाफ FIR करवाई थी, लेकिन जब तस्वीरें साफ हुई तो FIR में बाई नेम हो गई। आशीष मिश्रा अब डरे सहमे हैं, क्योंकि आशीष पर हमला करने वाले आरोपी इतने खतरनाक हैं ये बात वो भी नहीं जानते थे। उमेश पाल मर्डर केस के बाद फोटो वायरल हुई और उसके बाद से ही आशीष भी डर गए हैं। किस बात की लड़ाई हो गई थी जो आप ये लोग मार पीट रहे थे? मेरी इनकी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी, ये जिनके गुर्गे हैं उनसे कुछ राजनीतिक हमारे बात विवाद रहे होंगे जिसकी वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया था। और मैं शुरुआत में तो इसको बहुत हल्के में लिया था, लेकिन जब घटना की CCTV और इन लोगों की राजनीतिक और क्या कहते हैं आपराधिक इतिहास देखा कि इनके बड़े बड़े संबंध हैं और ये लोग अक्सर कर हर थानों में इनकी FIR मिली और आपराधिक इतिहास इनका देख के मुझे डर लगा। फिर मैंने इनकी शिकायत मानी मुख्यमंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर सॉरी पुलिस कप्तान से, DGP से, सबसे किया। तब कहीं जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू हुई और अभी तक मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का अंतिम रूप नहीं दिया गया, चार्जशीट नहीं दाखिल की गई, जबकि गुलाम और सदाकत दोनों की मोबाइल लोकेशन वहीं पाई गई, प्रेजेंटेशन पाए गए, गाड़ी बरामद की गई, एक लड़का जेल भेजा गया, उसने बयान में दिया, हम लोगों ने पहचाना गुलाम को, सदाकत को, लेकिन किसी भी तरह की मुझे संतुष्टि नहीं। और ये उमेश पाल की हत्या के बाद निश्चित तौर पर से मेरा परिवार, मैं और नन्हे प्रधान जी सब लोग डरे और सहमे हैं कि क्या ऐसी घटना हमारे साथ भी पुनः की जा सकती है। इस बार उस बार तो हम भगवान की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से बच गए, लेकिन क्या दोबारा ऐसी घटना कोई हुई तो मैं बचूंगा कि नहीं इसका। अच्छा, एक चीज ये जानते, पहले आप इनको उतना नहीं जानते थे लेकिन उमेश मर्डर केस से जाने तो आप ज्यादा डर सता रहा कि पहले डर सता था? अब ज्यादा डर, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने घटना को अंजाम दिया उसके बाद से ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक बाहर। अच्छा, आप जिस तरह की घटना उमेश पाल के साथ हुई, अगर ये लोग पर कार्रवाई हो जाती तो उमेश पाल की घटना ना होती? बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा होता, क्योंकि जब ये जेल जाते तो कुछ चीजें बदलती और दोनों मेन मुजरिम शायद आप भी, आप न्यूज चैनल के, आपको भी पता होगा, तमाम पुलिस विभाग के भी पता चल रहा है कि यही दोनों मेन सूत्रधार और मेन इस उमेश पाल में घटनाक्रम में आए। सदाकत प्लानर है तो ये अंजाम देने वाला गुलाम, और यही लोग हमारे घटना में भी थे, तो निश्चित तौर पे अगर ये जेल गए होते तो निश्चित तौर पे ये घटना उमेश पाल की जान बचाई जा सकती है और मुझे भी भविष्य के लिए खतरा नहीं होता। आशीष अब डरे हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर सही समय पर उनके केस में गहनता से जांच की जाती तो शायद आज उमेश पाल हत्याकांड से पूरा प्रदेश नहीं दहला होता। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।